हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से निर्मला किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाटी की रेसिपी। बाटी सबको बहुत ही पसंद है और आप जानते ही हैं कि ये राजस्थान की एक फेमस डिश है। लेकिन यदि आपके पास ओवन भी नहीं है, तंदूर भी नहीं है, तो आप बाटी कैसे बनाएं? तो कोई बात नहीं, हम इस बाटी को बनाएंगे तवे पर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तवा बाटी। ये आराम से तवे पर बन जाती है और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में और बहुत ही आसान है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ टू मेक तवा बाटी। तवा बाटी बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप गेहूं का आटा। मैंने यहाँ गेहूं का मोटा आटा लिया है। यदि आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप उसमें 3-4 चम्मच सूजी मिला दीजिए। 1/2 kg घी लिया है, जिसमें से कुछ घी हम मोइन में डालेंगे और बाकी घी में हम बाटी डीप करेंगे। साथ में ली है 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, मैं यहाँ 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे आटा, इसमें ऐड कर लेंगे अजवाइन, जीरा और नमक। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अजवाइन, जीरा और नमक जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें डाल लेंगे घी। तो यहाँ तकरीबन मैं 1.5 बड़े चम्मच घी के डाल रही हूँ, यानी कि 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा घी इसमें डलेगा। अब इस घी को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। घी डालने से बाटी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है, तो ये क्रंच घी की वजह से ही आता है। तो आप घी इसमें अच्छे से डालिएगा। तो घी को चेक करने के लिए हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। यदि मुट्ठी बन रही है तो यानी इतना घी काफ़ी है। अब धीरे धीरे करके हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और एक टाइट डो तैयार करेंगे। बाटी का जो डो लगता है वो एकदम टाइट होता है, तो आप धीरे धीरे करके वो पानी ऐड कीजिएगा, ताकि एक साथ ज़्यादा पानी ऐड होने से जो डो है वो पतला ना हो। तो अब ये डो है वो अच्छे से लग चुका है। इस तरह हमने बाटी के लिए एकदम टाइट डो तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इस डो को हम 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। यानी बाटी के लिए रोटी से थोड़ा ज़्यादा आटा लिया जाता है, तो उस हिसाब से हम इसको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 5 भाग बन रहे हैं। अब इन 5 भागों को हम एक एक करके अच्छे से गोले बना लेंगे इनके। इसे अच्छी तरह हथेलियों के बीच में रखकर एक गोल लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो बड़ी बाटी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज़ की बाटी बना रही हूँ, ये देखिए। अब इसे हल्का सा फ्लैट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाए। इसी तरह हम बाकी बाटियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सब लोहे को गोल गोल बना लिया है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं, ऊपर से एकदम स्मूथ बनी है। तो अब एक तवा लेंगे और इस तवे पर थोड़ा नमक डाल लेंगे। मैं यहाँ नमक काम में ले रही हूँ ताकि जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहे। यदि आप चाहें तो मत यूज़ कीजिए, बस इससे बाटी है वो जल्दी से सिक जाती है और नमक से बाटी है वो बहुत धीरे धीरे सिकती है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ये जाली इसके ऊपर रख देंगे। और अभी एक बड़ा मैं बाउल ले रही हूँ और इसको कवर कर देंगे और गर्म कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे, थोड़े इसके ऊपर हाथ रख कर कि ये गर्म हो गया है क्या। तो ये गर्म हो चुका है। तो अब इस जाली के ऊपर हम बाटी रख देंगे। ये 5 बाटियां हमने इस पे सेट कर दी हैं। तो अब उसी बड़े बाउल से हम इन बाटियों को ढक देंगे और कम से कम 30 मिनट पका लेंगे मीडियम गैस पर। अब 30 मिनट बाद हम इन्हें दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से जो बाटियाँ हैं वो हल्की हल्की कुरकुरी सी दिखने लगी हैं। तो अब मैं इन पर हल्का सा घी का ब्रश लगा दूंगी ताकि जो बाटी है उसका बहुत सुंदर कलर आए। आप चाहे तो मत लगाइए, क्योंकि बाटी को हमें लास्ट में घी में डीप करना ही है। बस इससे कलर है वो सुंदर आता है बाटी का, और जो ऊपर की कवर होती है बाटी की वो अच्छी क्रंची हो जाती है। तो अब इन्हें पलट ली है हमने।
अब इस साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ब्रश से, इससे बाटियों में बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है। अब हम बाटियों को बस इसे एक साइड से सेकेंगे, क्योंकि एक साइड से ये हल्की सिक चुकी हैं, तो बाकी ये ऊपर के टेम्परेचर से सिक जाएंगी और जो नीचे का भाग है वो एकदम कच्चा है वो नीचे के टेम्परेचर से सिक जाएगा। तो तकरीबन 30-40 मिनट लगेंगे इसमें। अब बाटियों को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए ये ऊपर नीचे से अच्छे से सिक चुकी हैं। ये ऊपर से एक बाउल का जो हमने लगाया था ढक्कन उससे सिक गई और नीचे से तवे के टेम्परेचर से सिक गई। तो अब इन गर्मा गर्म बाटियों को हम घी में डीप कर देंगे। ध्यान रखिए कि बाटी को एकदम गर्मा गर्म ही घी में डीप कीजिएगा, तभी ये घी सोक करेंगी और बहुत ही अच्छी होंगी। अब बाटियों को हम तकरीबन 1-2 घंटे इसी घी में डीप करके रखेंगे ताकि जो बाटी है वो अच्छे से घी सोख कर लें। अब 1-1.5 घंटे बाद हम इन बाटियों को घी से निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह से घी में सोख हो चुकी हैं, तो तकरीबन हमारा 300 ग्राम घी बाटियों को बनाने में लगा है। अब सारी बाटियों को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बाटियाँ हैं वो ज़्यादातर गुड़ और दाल के साथ परोसी जाती हैं, क्योंकि गुड़ और दाल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं दाल और गुड़ के साथ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूलें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।